दिल्ली तक पदयात्रा करेंगे। दरअसल आज आरजेडी की ओर से कमेटी बैठक पटना में हुई और इसी बैठक में कई फैसले लिए गए। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर कोई रास्ता नहीं निकल रहा, इसे देखते हुए वो अब सड़क पर उतरेंगे और पटना से दिल्ली तक पैदल यात्रा करेंगे। तेजस्वी के सलाह के बाद बिहार की राजनीति फिर से गर्मा सकती है, क्योंकि बीजेपी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, जबकि जेडीयू बिहार में जातीय जनगणना कराने की बात बार बार दोहराती है, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई भी तैयारी नजर नहीं आ रही है। देखिए, आप सब लोग जान ही रहे कि दो बार हम लोगों के प्रयास से, राष्ट्रीय जनता दल के प्रयास से, आदरणीय हमारे नेता लालू जी के प्रयास से दो बार जातीय जनगणना का प्रस्ताव जो है बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद से पास हुआ, और हम लोगों के प्रयास से हम लोग ने प्रस्ताव बिहार विधानसभा में रखा और प्रधानमंत्री से भी मिलकर के आए। अब हमको और कोई चारा नज़र आ नहीं रहा जातीय जनगणना को लेकर के, केवल एक ही चारा नज़र आ रहा है कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा और बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा जातीय जनगणना को लेकर के करनी पड़ेगी।